हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, ONGC द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ये है आपके अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए और आप इसके लिए कर सकते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन 29/7/2020 से 17/8/2020 तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी डिटेल फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा jobrasta.com का, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो फ्रेंड्स इसका जो ये होम डेस्क है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन का, आपको इस सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपके सामने जो ये इंस्ट्रक्शंस पेज है, ये आप चेक कर सकते हैं आपसे क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले आपको कुछ काम और करना होगा, वो क्या है। अगर फ्रेंड्स आप ITI से आवेदन कर रहे हैं तो ITI का अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा या डिग्री से कर रहे हैं तो आपके पास MHRD NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फ्रेंड्स आप क्लिक कर सकते हैं इस ऑप्शन पर, या आपको ऊपर आई सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में भी फ्रेंड्स आपको मैं पिन कर दूंगा, वहां पर इन वीडियो को चेक कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपने इनमें से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर ले लें। इसके बाद ही फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पर आइए और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए प्रोसीजर दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, आपको यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है कन्फर्मेशन, आपको यहाँ पर फ्रेंड्स कन्फर्मेशन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आपको यहाँ का क्या क्या रिक्वायर्ड मांगा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा आपका नाम, तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। फर्स्ट नेम मैंडेटरी है, मिडिल नेम यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लास्ट नेम यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो आपको यहाँ पर नाम की एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल ID है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल ID को यहाँ फिल करेंगे, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, आपका PWD स्टेटस, अगर PH कैंडिडेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आप इसमें नो करिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी कैटेगरी है, तो जनरल, OBC, SC या ST, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सेलेक्ट करने के बाद आपके जो सर्टिफिकेट नंबर है, मतलब कास्ट का जो सर्टिफिकेट नंबर है, वो आपको मेंशन करना होगा, चाहे आप OBC सेलेक्ट करें, SC करें या ST करें, ये आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब डेट, मंथ एंड ईयर, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो भी एज क्राइटेरिया है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये है फ्रेंड्स आपके कि आपकी जो सिटी है वो कौन सी है, जहाँ पर आपने जन्म लिया है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, आपका मदर नेम क्या है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो पासवर्ड है वो पासवर्ड फ्रेंड्स उसमें आपको क्या क्या बनाना है, तो एक नंबर आपको यूज़ करना होगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक वो आपके पासवर्ड में कहीं ना कहीं होना चाहिए। एक अपर केस यूज़ करना है और एक लोअर केस आपको यहाँ पर यूज़ करना है। अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर्स में A से लेकर Z तक, और लोअर केस होता है A से लेकर Z तक, आपको जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं अपने पासवर्ड में आप यूज़ करें। और कम से कम फ्रेंड्स यहाँ पर जो पासवर्ड है वो आपका आप 6 कैरेक्टर से ऊपर बनाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरह से पासवर्ड जनरेट करना है, 2 बार इसकी आपको एंट्री करनी होगी और इसके बाद ही आप यहाँ से इसको नेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो सेकंड पेज है अदर डिटेल्स का, ये आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्क सेंटर चूज करना है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी वर्क सेंटर आप यहाँ से लेना चाहें, आपको यहाँ लिस्ट दी गई है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स आप कर क्या सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर वर्क सेंटर की लिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कैटेगरी चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं ट्रेड। इसके बाद क्वालिफिकेशन है, तो जो भी क्वालिफिकेशन वहां पर मांगी गई होगी वो आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने अकाउंटेंट सेलेक्ट किया तो यहां पर BCom आ जाएगा, अगर आपने असिस्टेंट सेलेक्ट किया तो यहां BA या BBA आपने क्या किया है। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन में फ्रेंड्स यहां पर आपको ITI मांगा गया है रेफ्रिजरेशन में, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहां सेक्शन सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि वर्क स्टेशन के जो है आपके यहाँ पर आएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जोधपुर या फिर जैसलमेर, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके बाद बस आपको यहाँ से इसको सबमिट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप सक्सेसफुली लॉगिन कर गए हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी डालनी है जिससे भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, और आपको यहाँ पर देना है आपका पासवर्ड जो भी आपने जनरेट किया है, और इसके बाद आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं।
साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो ये फॉर्म है ये आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन जो कि आपकी ऑटोमेटिक फिल होंगी। इसके बाद है आपका पर्सनल डिटेल सेक्शन, तो आपको इस वाले पेज पर जाना होगा, जिसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, जैसे आपका फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये फिल करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन है आपका मदर नेम का, तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एंटर करना है। आपका जेंडर आपको फिल करना है, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस क्या है, आपका पिन कोड क्या है, वो आपको फिल करना होगा। और यहाँ पर देखिए अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा गया है। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, आप यहाँ पर ऊपर आई सेक्शन में कमेंट में या फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक दिया गया है या फिर जॉब रास्ता पर आकर आप यहाँ पर ITI अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर और MHRD NATS रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रोसेस चेक कर सकते हैं। और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के बाद ही फ्रेंड्स आपको इसका जो ये ऑनलाइन पोर्टल है यहाँ पर वो नंबर आपको देने होंगे। ये देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये फ्रेंड्स डिटेल फिल करने के बाद ही आप यहाँ से इसको नेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो जाएगा जो कि है क्वालिफिकेशन डिटेल का। तो सबसे पहले ट्रेड की क्वालिफिकेशन आपको यहां फिल करनी है, तो आपका ITI डिग्री आपने यहां पर किस में की है वो आपको यहां पर दे सकते हैं। मान लीजिए आप यहां से फीटर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप फीटर लिख देंगे, आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम आप यहां लिख देंगे, पूरा नाम आप लिखिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी आपको यहां पर मेंशन करनी है तो आप यहां पर अपनी यूनिवर्सिटी मेंशन कर देंगे, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है तो आप ईयर ऑफ पासिंग यहां पर एंटर कर देंगे, आपका जो सर्टिफिकेट है ITI का उसका सर्टिफिकेट नंबर कितना है, मार्क्स कितने आपने ऑब्टेन किए हैं और कितने में से ऑब्टेन किए हैं ये आपको यहां पर बताना होगा। तो फ्रेंड्स आपकी जो मार्कशीट पर जो भी नंबर्स आपके या जो भी डिटेल्स जो है प्रिंटेड है वही डिटेल आपको यहां पर फिल करनी होगी आपके ट्रेड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद 10th एंड 12th की डिटेल है, तो आपको सबसे पहले आपके स्कूल का नाम लिखना है, इसके बाद आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, मतलब आपने इसको कहाँ से पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग आपकी कितनी है वो आपको यहाँ बताना होगा, इसके बाद आपके मार्क्स या CGPA जो भी आप यहाँ देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो आपके मार्क्स ऑप्टेन और टोटल मार्क्स यहाँ एंटर करने के बाद आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर 12th क्लास पास आउट है आप उसकी एंट्री कीजिए, नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। 12th के लिए फ्रेंड्स आपको स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, आपके ईयर ऑफ पासिंग, आपके वही सेम मार्क्स कितने आए हैं, कितने में से आए हैं और सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको मेंशन करना है। तो इस पेज में हमने ट्रेड की और 12th या 10th की डिटेल हमने यहाँ फिल कर दी है, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा जो कि है अदर डिटेल्स का। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको फोटो अपलोड करनी है, फोटो आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और इसके लिए आपको साइज देखिए बहुत बड़ा दिया गया है 500 KB, मतलब इससे नीचे आप जो भी फोटो अपलोड करना चाहें, जैसे भी करना चाहें JPG फॉर्मेट में, वो आप आसानी से यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है एग्री का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन है सबमिट का, आप यहाँ से इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा, आप इसको यहां से करेंगे ओके। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंटआउट का, एक है आपके चेंज पासवर्ड का। आप चाहें तो यहां से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, आपका जो भी लॉगिन पासवर्ड है, और यहां से अपना जो प्रिंटआउट है वो निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ONGC का अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म है यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको क्या क्या आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया है। FAQ सिस्टम आप पहले चेक कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स को चेक करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म फिल नहीं करने हैं, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने इसकी जो नोटिफिकेशन है उसका वीडियो अपलोड किया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो भी क्राइटेरिया जिससे भी रिलेटेड आप यहां पर जो है सवाल पूछा चाहते हैं वो FAQ सिस्टम में आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको यहाँ पर चाहिए ITI अप्रेंटिसशिप नंबर या फिर MHRD NATS रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका लिंक मैंने फिर आपसे कहता हूँ तीसरी बार कि आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई सेक्शन में और साथ में फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, आप जहाँ पर भी इसको देखना चाहें देख कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ONGC का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल A24 नॉलेज। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।